कामयाबी के सूत्र में मैंने पिछली बार आपसे बात की थी कि मैं आपको सुबह के भोजन के बारे में बताऊंगा, ऐसा भोजन जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ जल्दी पहुंचाए और आपको निरोगी भी रखे। हमेशा एक चीज याद रखना, भोजन हमेशा नहाने के बाद करना है। बहुत सारे बच्चे, खास तौर पर युवा वर्ग, आजकल भोजन करने के बाद नहाते हैं, जो कि आपको बीमारियों की तरफ लेके जाता है। तो ध्यान रखना है, पहले नहाना है फिर नाश्ता करना है, और नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो दिन भर आपको ऊर्जा रखे, ऊर्जा दे और आपको ऊर्जावान बना के रखे। सबसे बड़ी बात, तो भोजन में क्या होगा, आपको भोजन 9 बजे से पहले कोशिश करके कर लेना चाहिए, यानी कि उठने के 1.5 घंटे के भीतर हमारी बॉडी में एंजाइम्स का लेवल बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है, बहुत अच्छा लेवल होता है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो भोजन क्या होगा, जितना आपका वजन है उसको 10 से गुणा करें, उतने ग्राम से में आपको अपना बड़ी प्लेट फूड्स की खानी है। जैसे अगर आपका वजन 70 किलो है तो गुणा 10 ग्राम यानी कि 700 ग्राम फ्रूट खाना है। अगर आप 60 किलो के तो 600 ग्राम, 50 किलो के तो 500 ग्राम फ्रूट खाना है। अगर फ्रूट नहीं है तो नारियल पानी पी लीजिए, दुनिया में सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद ऊपर से आप कुछ भी, जो भी चपाती, चावल, खिचड़ी, दलिया, पोहा, कुछ भी जो लेना चाहे ले सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, भोजन रोज नई तरह का होना चाहिए। जिस तरह आप कपड़े रोज नए पहनते हैं तो नाश्ता भी रोज बदलिए। कुछ लोग रोज ही परोठे खाते हैं, कुछ लोग रोज ही रोटी खाते हैं, तो रोज रोज बॉडी को नई चीज चाहिए, बॉडी को वैरायटी चाहिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, बॉडी को सब कुछ चाहिए, तो वो मिलेगा वैरायटी से। तो रोज अलग चीज खाइए, लेकिन पहले 4 से 5 तरह के फ्रूट एक बड़ी प्लेट में भर के आपको नाश्ते में पहले प्लेट 1 के रूप में खाना है और प्लेट 2 के रूप में आपने जो भी आपका दिल कर रहा है खाना है, लेकिन दोनों में गैप नहीं होना चाहिए, तो ये आपको बहुत जरूरी है। और जो भी खाना है चबा चबा के खाना है, जल्दबाजी में खाना नहीं खाना। और ये फॉर्मूला मैं आपसे बोलूंगा पूरे भारत में फैला दीजिए, सबको शेयर कीजिए कि कैसे अपने भोजन में ही परिवर्तन करके आप बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।